हेलो डियर, ऐसा मैंने एक बार मेरे एक दोस्त को कहा हेलो माय डियर, उसे लगा कि मैं उसे हिरन कह रहा हूं। ही सेड नो आई एम नॉट योर डियर, मैं तुम्हारा डियर नहीं। अरे भाई मैंने कहा डियर मतलब हिरन नहीं, डियर मतलब प्यारा। फाइन। और एक बार हुआ क्या, मैंने कहा यार दिस क्वेश्चन इज क्वाइट नोटी, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट नोटी। सो ही सेड यार नोटी मतलब क्वेश्चन कैसे नोटी हो सकता है, उसे लगा कि नोटी मीन्स शरारती, राइट। मैंने कहा अरे मेरे भाई नोटी मीन्स शरारती नहीं, नोटी मीन्स डिफिकल्ट, राइट। और फिर एक बार मैंने कहा कि यू नो आई एम द एयर ऑफ माय प्रॉपर्टी, एयर। उसे ने कहा यार एयर प्रॉपर्टी की हवा, एयर में तो हवा होती है। ओ माय गॉड, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड सच थिंग्स। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? ऑब्वियसली होता होगा। जनरली यू नो दी वर्ड्स दे मेक अस क्वाइट पजल, बहुत मुश्किल होता है ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को समझना। एंड बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, क्योंकि आपके साथ है आपका अपना A.Riwal क्लासेस एंड अशोक रिवाल टू क्लियर ऑल दीज डाउट्स। सो टुडे अगेन वी आर हियर विद सम ऑफन कंफ्यूज वर्ड्स टू मेक देम क्लैरिफाइड फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स, फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। So without wasting much time, I welcome you all in A.Riwal classes, and today we are going to have again the words which are often confused. So चलिए चलते हैं आज के vocabulary classes की तरफ, right? The first word is air. A-I-R, air. It is quite easy. आप सभी को पता है कि air means हवा, a mixture of gases, हवा, right? A mixture of gases, air. In the same way, the word which generally confused with the same pronunciation, जो इसका उच्चारण बिल्कुल same होता है, लेकिन spelling difficult है, and that is air, H E I R, air. Air means ये air हवा होता है, और ये air क्या होता है? A real inherent of property, मतलब कि वारिस, वारिस, वारिस मतलब अपनी प्रॉपर्टी का, अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का जो रियल हकदार होता है, दैट इज एयर। सो The pronunciations are same, दोनों के उच्चारण सेम है, लेकिन क्या होगा, मीनिंग्स उनके अलग अलग हैं, so we must not get confused with this. हमें कंफ्यूज नहीं होना है। Air means हवा, a mixture of gases, A-I-R, air. The same way we pronounce it, air, H-E-I-R, hair नहीं pronounce करते से, hair, H-A-I-R, hair वो बाल होते हैं, बाल, मेरे थोड़े curly हैं, but I love them. हम बात करें air की, so H E I R, air, it means inherit of property, जो property का वारिस होता है, right? उसको बोलते हैं air. Fine. I hope you are getting it. और हमें एक चीज ये भी समझना है कि ये parts of speech में क्या है. Air भी एक noun है और ये air भी एक noun है, right? Both are noun. Okay. The next word is allowed. A-L-L-O-W-E-D, allowed means verb, means एक तो ये verb है, part of speech में ये verb है, और allowed means आज्ञा देना, आज्ञा देना, जैसे I was allowed by our sir, हमारे सर के द्वारा हमें आज्ञा दी गई, मींस मुझे आज्ञा दी गई, अलाउड, गिव परमिशन, परमिशन देना, राइट। बट दिस अलाउड मींस ए एल ओ यू डी, अलाउड, इट्स एन एडवर्ब। हेलो, तो हमें पता होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी है, अलाउड। डोंट शाउट अलाउड, राइट। अलाउड मींस हियर इन अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस, राइट। Speak loudly. Speak loudly. So that is allowed. A loud voice, right? So allowed, आज्ञा देना,
और लाउड मीन्स एडवर्ब जो कि है लाउड वॉइस तेज आवाज में राइट. नेक्स्ट वर्ड इज अल्टर A-L-T-E-R अल्टर अल्टर एंड अल्टर प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी लेकिन हमें पता होना चाहिए भाई किसका मीनिंग क्या होता है A-L-T-E-R अल्टर मीन्स क्या होता है और A-L-T-A-R अल्टर मीन्स क्या होता है. सो अल्टर इज अ वर्ड मीन्स चेंज चेंज करना बदलना राइट. जैसे हम क्या करते हैं अगर हमारी कोई पैंट लंबी छोटी आ जाए तो हम अल्ट्रेशन कराते हैं उसका बदलाव कराते हैं छोटी मोटी कराते हैं उसको चेंज कराते हैं. सो दैट इज अल्ट्रेशन. आई वांट टू अल्टर माय न्यू हाउस मैं अपने नए घर को बदलना चाहता हूं क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता मुझे अच्छा नहीं लगा. या आई वांट टू अल्टर माय शूज मैं अपने शूज को अल्टर करना चाहता हूं. एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं आई वॉन्ट टू अल्टर माई शूज मैं अपने शूज को अल्टर करना चाहता हूँ चेंज करना चाहता हूँ बदलना चाहता हूँ. सो ए एल टी ए आर अल्टर मीन्स चेंज करना बदलना एंड ए एल टी ए आर अल्टर प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी बट व्हाट डज इट मीन इसका मीनिंग होता है भाई पूजा की वेदी मीन्स वे आपने देखा होगा मंडप टाइप का जहां पे हम लोग कुछ ऐसा जहां पे हम हवन वगैरह करते हैं राइट हवन वगैरह करते हैं कुछ ऐसा जहां पे हम ऑफरिंग्स करते हैं दैट इज अ प्लेस पूजा की वेदी जिसको हम बोलते हैं ऑफरिंग प्लेस. सो दैट इज अल्टर ए एल टी ए आर राइट. आर यू गेटिंग इट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ए एल टी आर अल्टर मीन्स बदलना ए एल टी आर अल्टर पूजा की वेदी मंडप टाइप का इवन जब फेरे लेते हैं यार हम लोग जब शादी होती है तो बीच में एक वो जो रखा होता है जिसमें स्वाहा लाइक करते हैं सो वो एक अल्टर होता है पूजा की वेदी होती है. आई होप यू आर गेटिंग इट. यू नो बहुत इजी तरीके से मैं कोशिश करूंगा आप सभी को ये चीजें समझाने की और आपकी वोकैबुलरी को एनहांस करने की. आई एम श्योर जो भी मेरे भाई बहन दोस्त माय स्टूडेंट्स माय फ्रेंड्स दोस्त आर वॉचिंग दिस वीडियो उनको ये वर्ड आज ही याद हो जाएंगे 100% यू विल नेवर फॉरगेट दिस वर्ड्स इट्स माय 100% गारंटी फॉर यू राइट. चलो चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज एंशियंट ए एन सी आई ई एन टी एंशियंट होता है भाई पुराना राइट. एंशियंट होता है पुराना एंशियंट बिल्डिंग राइट. लाल किला जो रेड फोर्ट इज एन एंशियंट बिल्डिंग. मैं एग्जांपल लिखता हूं वेट अ मिनट रेड द रेड फोर्ट इज एन एंशियंट बिल्डिंग. सो एंशियंट बिल्डिंग मतलब पुरानी बिल्डिंग है राइट. अपन ओल्ड एज पुराने टाइम की बिल्डिंग है तो उसको बोलते हैं एंशियंट पुराना राइट. और जबकि ये यहां पे ओल्ड ओ एल डी ओल्ड मीन्स भी पुराना होता है ऑफ ओल्ड एज मतलब उम्र में पुराना उम्र में मतलब बड़ा होना. दैट आई एम 16 इयर्स ओल्ड मैं 16 साल का हूं मतलब मैं 16 साल का नहीं हूं अपने नहीं बता रहा हूं जनरली इट्स एन एग्जाम्पल ऑनली. आई एम 16 इयर्स ओल्ड ओ एल डी ओल्ड मतलब इतने साल का मैं हूं राइट. सो दिस इज ओल्ड ओ एल डी ओल्ड मीन्स ओल्डर इन एज. टॉकिंग अबाउट लास्ट वर्ड एब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. एब्जेक्ट आई टोल्ड यू दैट होपलेस एब्जेक्ट होपलेस होता है एंड ऑब्जेक्ट मीन्स एम उद्देश्य राइट. मैं एग्जाम्पल लिखता हूं ही इज लिविंग इन एन एब्जेक्ट पॉवर्टी एब्जेक्ट पॉवर्टी राइट. इज लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी वो अटली होपलेस बहुत ज्यादा गरीबी में रह रहा है राइट. एब्जेक्ट मीन्स होपलेस और ऑब्जेक्ट व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ तुम्हारी लाइफ का उद्देश्य क्या है एम क्या है राइट.
So it means that what is object? Object means here aim. So clear? हमने बात की friends five words की, five pair of words की, जो 10 words हैं हमारे आज के. The first word is air. Air means हवा, a mixture of gases. मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि easily हमें समझ में आए. Examples मिटा देता हूँ. ये clear हो जाएगा. Right, ये देखिए. Air, air means हवा, right? A mixture of gases. Next word is air, जो वारिस होता है, property का वारिस. Clear है? Next word is allow, verb. आज्ञा देना, to give permission. I was allowed by my principal. Allow, adverb है, in a loud voice. In a loud voice, right? Next word is alter, A-L-T-E-R, alter. I want to alter this t-shirt. अगले t-shirt में मैं कुछ color और change करूँगा. Alter, right? Change करना, बदलना. और नेक्स्ट है अल्टर. ये तो आपको जरूर याद रहेगा, शादी के बाद आ गई, शादी का मंडप हमने मतलब अपनी शादी नहीं हुई तो ऑब्वियसली किसी और की देखी होगी, तो जो फेरे जहां पे होते हैं, जहां पे वो स्वाहा है ना, तो उसको बोलते हैं ए एल टी ए आर, राइट. नेक्स्ट वर्ड इज एंशियंट, पुराना. ताजमहल सभी ने देखा, यू नो, प्यार की निशानी ताजमहल, दैट इज एन एंशियंट बिल्डिंग. तो ऐसे वर्ड्स को रिलेट कर करके याद कर सकते हैं. एंशियंट मीन्स पुरानी, मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग जिसको बोलते हैं. Ancient of older time. और old जो होते हैं sir, that is age. Means what? How many years old are you? आप कितने साल के हो? आपकी age कितनी है? I'm 16 years old. Like that we can say, right? और last word abject means hopeless. Abject poverty बहुत ज़्यादा hopeless जो होते हैं. और object means aim. So these were your words of the day. उम्मीद करता हूँ कि ये words आपको पसंद आए होंगे और आप इन words को इट्स माई गारंटी आप कभी नहीं भूलेंगे. और ऐसी और भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा. दिस इज योर फ्रेंड, योर मेंटर, योर गाइड, योर सर्वेंट अशोक रिवाल. एंड बने रहिए हमारे चैनल के साथ. अगर आपको पसंद आई है आप शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो प्लीज कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं. और कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज बताएं जरूर, बुरी लगी तो कम खराब कमेंट, आई मीन थोड़ा सा पॉजिटिवली कमेंट आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं. भाई गाली वाली मत देना, थोड़ा सा बुरा लगता है, यू नो सोशल प्लेटफॉर्म है. और यू नो बता सकते हैं आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर. और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई तो. टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल. A.Riwal क्लासेस, थैंक यू.